ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, देखो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल उसमें क्या होगा ध्यान से देखना। हमने अभी क्या स्टार्ट किया था, सबसे पहले फोर्स, फोर्स किया, फिर हमने क्या किया कि फोर्स को अगर मास से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ आ जाएगी, कोई डाउट इसमें। फिर हमने थर्ड टर्म क्या की, पोटेंशियल एनर्जी। फिर चौथी टर्म, पोटेंशियल एनर्जी को मास से डिवाइड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, पोटेंशियल। फोर्स को मास से डिवाइड किया तो ई, एनर्जी को मास से डिवाइड किया तो पोटेंशियल। ये दोनों क्वांटिटीज जो थी ई और एफ, ये दोनों के दोनों क्वांटिटीज क्या है, वेक्टर। और यू और वी दोनों के दोनों क्या है, स्केलर। क्लियर है यहां तक, एक वेक्टर और स्केलर, राइट। तो अब हम लास्ट टर्म पढ़ने जा रहे हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का सिंबल वी, ये एक स्केलर है, क्योंकि ये किससे बना हुआ है, एनर्जी से, एनर्जी भी स्केलर है। और क्या चीज है, एनर्जी को, पोटेंशियल एनर्जी को किससे डिवाइड कर देना है, मास से। तो कैसे निकालना है, जैसे एक प्लैनेट है, मास एम है, मान लो स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक छोटा मास पड़ा हुआ है एम, तो मैं चाहता हूं कि यहां पर आप पोटेंशियल निकालो, इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालो। तो अगर आप इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना चाहते हो, सबसे पहले क्या निकलेगी इनकी, पोटेंशियल एनर्जी, बोलो क्या, माइनस जी एम एम बाय आर, पोटेंशियल एनर्जी। आप जहां पर आपको पोटेंशियल निकालना है वहां पर कितना मास है, एम, तो आप क्या करेंगे, इस पोटेंशियल एनर्जी को उस मास स्मॉल एम से क्या कर देंगे, डिवाइड। एम से एम फिर से क्या हो गया, कैंसल, आंसर। तो पोटेंशियल के अंदर भी कौन सा मास रोल प्ले कर रहा है, प्लैनेट का मास। ऑब्जेक्ट का मास जहां पोटेंशियल निकालना है वो कट जाएगा, वो मैटर नहीं करेगा। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक, तो पोटेंशियल के अंदर फिर कहूंगा सिर्फ क्या मैटर कर रहा है, पोटेंशियल के अंदर प्लैनेट का मास ही पोटेंशियल लगाएगा। अब प्रॉब्लम, ये फॉर्मूला आपने याद कर लिया, तो वी डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द प्लैनेट, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी बाय मास है, तो यूनिट क्या बनेंगे, जूल पर केजी, जूल पर केजी, ठीक है यहां तक। तो इसको समझाने के लिए जितना भी हमने किया, मैंने एक टेबल बनाया, ये अब टेबल चेक करें। इस टेबल में चार क्वांटिटीज लिखी मैंने, फोर्स, फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल। फोर्स के अंदर, फोर्स एक वेक्टर है, मास एम और एम, फोर्स के अंदर दोनों मासेस कंसिडर किए जाते हैं टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फोर्स, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, जो ई की वैल्यू है, दैट इज जी एम बाय आर स्क्वायर, हमने फॉर्मूला किया, तो इस ई के फॉर्मूले में जो मास ऑफ ऑब्जेक्ट है वो मैटर नहीं करता, ठीक है यहां तक। ये किया, जहां ई निकालना है वहां प्लस वन कर देना है, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी सॉरी। फिर पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में दोनों मास मैटर करते हैं, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, ये फॉर्मूला किया। और लास्ट, पोटेंशियल इज अ स्केलर, पोटेंशियल के अंदर ये मास मैटर नहीं करता, इस मास की जगह ये मास मैटर करता है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, माइनस जी एम बाय आर। फॉर्मूले ध्यान से देख लो, मिलते जुलते फॉर्मूले हैं सारे, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, इसके डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, इसके डिनोमिनेटर में आर है। समझ में आ रहा है यहां तक, चारों फॉर्मूलास क्लियर है, ठीक। अब मैं सिखाऊंगा इसको यूज कैसे करने हैं, चारों फॉर्मूलास को। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, तो ये चार फॉर्मूलास हैं जो आपको पता होने चाहिए।